इसी बीच में एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, आज से गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जी। लोकसभा चुनाव को लेकर वो बड़ी बैठकें करेंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बड़ी मीटिंग्स करेंगे और इन बैठकों में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई बड़े नेता गुजरात बीजेपी के शामिल होंगे। ये बड़ी अपडेट, गुजरात के बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, इस पर रणनीति बनाई जाएगी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। गुजरात के 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी, आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। गुजरात का चुनावी गणित क्या है, आइए जल्दी से बड़ी एलईडी के जरिए वो आपको हम समझा दें। देखिए, गुजरात का चुनावी गणित यह है कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है गुजरात, जहां पर इस बार सबसे ज्यादा फोकस भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़, क्योंकि लगातार बीजेपी यहां पर विधानसभा के चुनाव भी जीतती रही है और लोकसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन रहा है। 28 साल से बीजेपी की सरकार है गुजरात में और ये बताता है कि कितना मजबूत किला है ये बीजेपी का। बिल्कुल, 28 साल से बीजेपी यहां पर लगातार काबिज है सत्ता में। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें और सारी की सारी सीटों को जीतने का इस बार भी टारगेट है। 2014 और 19 में बीजेपी सभी सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी और 19 में भी, और गुजरात का गढ़ बरकरार रखना अब बीजेपी की चुनौती है, क्योंकि जो मैक्सिमम है वो पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्राप्त किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़े हुए हैं। नीरज, गुजरात बीजेपी का तो गढ़ रहा है और कैसे रहा है वो अभी हम दर्शकों को विस्तार में बता भी रहे थे। पीएम मोदी की वापसी में गुजरात का बड़ा योगदान बनाए रखना निश्चित रूप से बीजेपी की चुनौती है, ये हम सबको समझ में आ रही है, तो इसके लिए उनके पास स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखा नहीं जा सकता, क्योंकि गुजरातियों से अगर बात करें, किसी भी गुजरात के व्यक्ति से बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह पूजता है, भगवान की तरह लेता है, और हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा है। तो उनके पास स्ट्रेटजी क्या होगी ये तो वो अपनी स्ट्रेटजी अपने लोगों के बीच ही वो करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अपने जो जीत के सिलसिले को वो जारी रखने के लिए वो हर तरह की कोशिश करेंगे, और उसी का एक नतीजा है कि आज वो रात में ही गुजरात पहुंचेंगे, राजभवन में रात रुकेंगे, लेकिन रुकने के दौरान जब भी वो होते हैं वो खाली नहीं बैठते हैं, वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, सीनियर लीडर्स के साथ बैठेंगे और बैठ के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायज़ा लेंगे, समीक्षा करेंगे। कल उनकी कुछ ऑफिशियल्स मीटिंग है, यूएई के प्रधानमंत्री के साथ, प्रेसिडेंट के साथ रिसेप्शन है, इसके अलावा 3-4 और सरकारी कार्यक्रम है, और उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन भी नेक्स्ट डे यानी 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं करने वाले। तो ये एक लंबा चौड़ा उनका प्रोग्राम है, अगले 3 दिन रहेंगे, यानी कि आज रात पहुंचेंगे, कल रहेंगे, परसों रहेंगे, वहां से 10 की रात निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीन दिनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे सरकारी प्रोग्राम्स में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन जो उनका मूल एजेंडा रहता है वो ये रहता है कि संगठन की शक्ति को और आगे बढ़ाया जाए, और संगठन की शक्ति कैसे बढ़ेगी, संवाद से बढ़ेगी, बातचीत से बढ़ेगी, प्लानिंग से बढ़ेगी, और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं तो भले ही सरकारी कार्यक्रम उनका रहे, लेकिन संगठन के दृष्टिकोण से वो एक बैठक जरूर करते हैं, बैठक के साथ जायजा भी लेते हैं, समीक्षा भी करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। तो आज जब वो पहुंचेंगे तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे सीनियर लीडर के साथ बैठकर लोकसभा की जो 26 सीटें हैं जिनमें लगातार पिछले 2014 में भी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 100% अपना रिजल्ट रखा है, उसे कैसे हासिल की जाए। नीरज, इसी को लेकर लगातार बैठक मंथन आज भी करेंगे पीएम मोदी, आप लगातार रहे हमारे साथ। ABP News आपको रखे आगे।